नमस्कार विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने फोर्थ चैप्टर प्रारंभ किया था, जिसमें हमने देखा कि जो मुस्लिम आक्रमण हुए थे उनमें सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणों में अरबों ने आक्रमण किया था और सिंध क्षेत्र 712-13 ईस्वी में भारत के पश्चिमोत्तर में स्थित सिंध क्षेत्र को उन्होंने विजित कर लिया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। तब उस समय वहां का शासक दाहिर सेन था। अब यहाँ पर सिंध क्षेत्र पर विजय प्राप्ति के पश्चात तो क्या प्रभाव रहा राजनीतिक तौर पर और सांस्कृतिक तौर पर भारत और देखा जाए तो अरब प्रदेश पर, तो उसके विषय में हम यहाँ चर्चा करेंगे कि भारत से जो संपर्क हुआ अरबों का, उससे अरबों पर और भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इसी विषय में हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो देखिए, सिंध विजय के पश्चात जो अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था उसमें सिंध को विजित कर लिया और सिंध विजय से राजनीतिक प्रभाव ये पड़ा पर भारत पर कि भारत का सिंध का जो संपर्क था भारत से कुछ समय के लिए टूट गया और सिंध जो है वो अरब या इस्लामी क्षेत्र का एक हिस्सा बन गया, इस्लामी साम्राज्य का हिस्सा बन गया, अर्थात इस्लामी साम्राज्य के अंतर्गत शामिल हो गया और भारत से सिंध का संपर्क टूट गया। राजनीतिक दृष्टि से तो भारत पर यह विपरीत प्रभाव पड़ा, परंतु सांस्कृतिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो सांस्कृतिक दृष्टि से भारत की विजय हुई अरबों के ऊपर। कैसे कि भारत के अंतर्गत जो भारतीय संस्कृति थी उसका अरबों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा और उन्होंने उस संस्कृति को अपनाया। यहाँ पर हम बात करेंगे संस्कृति के अंतर्गत कौन कौन से वो मूल तत्व थे जिन्हें अरबों पर जिनका प्रभाव पड़ा और जिन्होंने अरबों ने जिन्हें अपनाया था। तो देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि भारतीय दर्शन, इसके अतिरिक्त विज्ञान, गणित, चिकित्सा और ज्योतिष, इन क्षेत्रों के अंतर्गत भारतीय जो गणित, ज्योतिष, विज्ञान, साहित्य, कला, इन सब का प्रभाव अरबों पर पड़ा और अरबों ने इनसे प्रभावित होकर के और कई जो संस्कृत भारतीय ग्रंथ थे उनका अरबी में अनुवाद करवाया ताकि वो उसे स्वयं भी जान सके। इसके अतिरिक्त जो कुछ जैसे जो गणित, ज्योतिष और खगोल शास्त्र है, इन सबको अरबों ने आत्मसात कर लिया था, अपना लिया था। और इसके साथ साथ जो भारतीय दर्शन है, कला है, साहित्य है, ये अरबों के माध्यम से यूरोपीय देशों तक, अनेक यूरोपीय देशों तक पहुंचे। अरब यहाँ पर आए, इन्होंने यहाँ से भारतीय दर्शन, गणित, ज्योतिष आदि का ज्ञान लिया और उस ज्ञान को आगे इन्होंने यूरोपीय देशों में पहुंचाया। तो इस प्रकार से जो भारतीय दर्शन था, भारतीय कला, भारतीय साहित्य का जो ज्ञान था, ये सब अरबों के माध्यम से पश्चिमी यूरोपीय देशों तक पहुंचे। तो यहाँ पर सांस्कृतिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो सिंध का संपर्क भारत से टूट गया था कुछ समय के लिए, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से भारत की एक तरह से अरबों पर विजय हुई थी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि अरबों की सफलता के कारण क्या रहे थे, कि अरब भारत में सफल क्यों हो पाए, सिंध क्षेत्र में सफल क्यों हो पाए, इसके कुछ कारण हैं। तो देखिए, पहला कारण तो ये है कि जो दाहिर सेन था सिंध का शासक, उससे सामान्य वर्ग असंतुष्ट था। दाहिर सेन से जो सामान्य उसकी जनता थी, प्रजाजन थे, वो असंतुष्ट थे। इस कारण से जब मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ सिंध प्रदेश पर, तो सामान्य जनता ने उसका साथ नहीं दिया दाहिर सेन का, जिससे उसकी पराजय हुई और अरब सफल हुए। नेक्स्ट दूसरा जो कारण है वो है भारतीय शासकों में आपसी तालमेल नहीं था। जो समकालीन भारतीय शासक थे उस समय, सिंध और आसपास के क्षेत्रों के जो भारतीय शासक थे, वो आपस में तालमेल नहीं था उनके, ना ही किसी प्रकार का सहयोग सौहार्द था। वे सब अपने अपने स्वार्थों के लिए कार्य करते थे, तो स्वार्थ सिद्धि के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति कभी भी दूसरे का सहयोग नहीं कर सकता। इसलिए भारतीय जो शासक थे उस समय के समकालीन शासक, वो एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे, एक दूसरे का सहयोग नहीं करते थे, तालमेल नहीं था उनमें, और इसके साथ साथ अपनी अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए थे। इस कारण भी दाहिर सेन को अन्य भारतीय शासकों का सहयोग नहीं मिल पाया और अंततः उसकी पराजय हुई। तीसरा जो कारण है वो है सैन्य शक्ति कमजोर थी, उत्तरदायित्व भी राजपूतों पर था सैन्य व्यवस्था का। देखिए, पश्चिमोत्तर क्षेत्र जो भारत का एक तरह से प्रवेश द्वार कहलाता है, वहां के शासकों को दूरदर्शिता रखते हुए अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाना चाहिए था।
अपनी सैन्य शक्ति मजबूत रखनी चाहिए थी, परंतु जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र के भारतीय शासक थे उन्होंने इस बात पर कभी भी गौर नहीं किया और बाहरी आक्रमणों को रोकने के लिए उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति को कभी भी नहीं बढ़ाया। इसलिए उनकी सैन्य शक्ति पहले से ही कमजोर थी। इसके साथ साथ जो सैन्य उत्तरदायित्व था वह भी केवल राजपूतों पर था और राजपूत भी आपस में तालमेल नहीं रखते थे, राजपूत शासक भी आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। इसलिए सैन्य शक्ति यहाँ पर कमजोर होने की वजह से जो मोहम्मद बिन कासिम है उसको सफलता में कोई ज्यादा परेशानी नहीं आई। नेक्स्ट है हमारा मोहम्मद बिन कासिम की योग्यता। मोहम्मद बिन कासिम स्वयं एक योग्य सेनापति था, सैन्य संचालन में वह दक्ष था, इसलिए अपनी योग्यता के आधार पर उसने दाहिर सेन को युद्ध में पराजित किया और अच्छे सैन्य संचालन, अच्छे नेतृत्वकर्ता के सारे गुण उसमें मौजूद थे। पांचवा है धर्म का प्रचार प्रसार, धन प्राप्ति की लालसा और खलीफा का सैनिक सहयोग। देखिए इस्लामिक जो राज्य था, अरबों ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उसके कई उद्देश्य थे, धन प्राप्ति भी था तो इसके साथ साथ साम्राज्य विस्तार भी था, तो इसके साथ साथ धर्म का प्रचार प्रसार करना भी था। तो देखिए इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार का जो उनमें जज्बा था उस समय, एक तो वो जज्बा और दूसरा धन प्राप्ति की तीव्र लालसा थी। भारत उस समय सोने की चिड़िया कहलाता था और काफी धन संपदा संपन्न प्रदेश था, तो इन सब की तीव्र जो इच्छा थी धर्म का प्रचार प्रसार, धन प्राप्ति, इस तीव्र इच्छा ने अरबों में और अधिक जोश भर दिया। इसके साथ साथ खलीफा ने भी मोहम्मद बिन कासिम को सैन्य सहयोग दिया। इन सब के होते हुए मोहम्मद बिन कासिम आसानी से भारत के सिंध प्रदेश पर विजय प्राप्त करने में सफल रहा। तो ये कुछ मुख्य कारण हैं। यहाँ पर ये कारण आपको ध्यान में रखने हैं। आपसे पूछे जा सकते हैं कि आपके हो सकता है कि प्रश्न बने बोर्ड एग्जाम में कि अरबों के भारत में सफल होने के क्या कारण थे। तो यहाँ पर ये कुछ कारण हैं, इनको आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे अपने अगले लेक्चर में। धन्यवाद।